कहता हूँ कि अभी अभी मैं पैदा हुआ बच्चा और आप सब पढ़े और मैं जो भी करूँ आनंद के साथ करता हूँ और आपको भी आनंद दिलाता हूँ। मैं गुरुजी का मार्ग लेकर जो चल रहा हूँ उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप साधनात्मक जीवन जिए। आप तो आनंद के साथ रहेंगे आपके परिवार के साथ, लेकिन आपके गली में रहने वाले या आपके गांव में रहने वाले भी आपको देखकर आनंद अनुभव करें, उसे साधना कहते हैं। अगर गोंदल की माता यहाँ बैठी हुई है और भारत नहीं भारत के बाहर के लोगों को भी आनंद प्रदान करती है तो वो देवता तत्व है, और उस देवता तत्व को प्राप्त करने के लिए जो गुरु को गुरु की कृपा प्राप्त किया वो देवता तत्व को प्राप्त किया, और जो देवता तत्व को प्राप्त किया वो अपने ही फैमिली को नहीं सारे संसार को, जहाँ बैठता है वहाँ से उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती, और वही साधना का मार्ग है। और जिस दिन वो साधना का मार्ग सिद्ध हुआ हम सबसे श्रेष्ठ कहलाए। मैं ये नहीं कहता कि आप खाली बैठो, मैंने पहले भी कहा है आज भी कह रहा हूँ कल भी कहूँगा, आप महीने में केवल 5 दिन मेरे को साधना के लिए दे दो, मैं आपको वो सुगंधित फूल बनाऊंगा जो आपकी महक सारे संसार में फैल सके, ये मेरी गारंटी। जन्म दिवस तो एक मेरा बहाना है कि आपके साथ मिलने का। आज गुजरात के साधक जिन्होंने ये गुरु पूर्णिमा शिविर कहा हैदराबाद और कहा मेरा गांव, वहां से मैं अगर यहाँ आपके पास बैठता हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई गुरु कृपा का कारण होगा। मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी उस साधना के बल पर ऐसे ही बने। एक फूल चार फूल, अगर एक फूल का बीज लगाते हैं तो 4 फूल आते हैं, एक फूल एक फल के बीज को लगाते हैं तो उसे 1000 फल आते हैं। उसी तरह गुरुजी ने एक बीज लगाया, आज ये 1000 फूल और फल आज भी खिल रहे हैं, और ये एक अगर एक एक लगाएंगे तो हम लाखों में बदल जाएंगे। और हमारे भारत में जिस प्रकार का सनातन धर्म का गुरुजी ने एक सपना देखा था वो सपना हम पूर्ण करेंगे। मैं चाहता हूँ कि साधना मार्ग पर आप चलो, आगे का काम मैं देखता हूँ कि आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, आप सभी के ऊपर हावी हो जाएगी। जिस दिन हम साधनात्मक दृष्टिकोण से आगे चलते हैं, साधना दृष्टिकोण ये जरूर है, साधना दृष्टिकोण में अड़चने आती हैं तकलीफें आती हैं, लेकिन सहन करने की शक्ति भी उतनी होती है, और जिसका साधना का बल नहीं है वो कष्टों को सहन नहीं कर सकता और वो भटक जाता है। हम भटकने वाले नहीं हैं, साधना में कितने ही कष्ट कितना भी वनवास अनुभव करना पड़े हम जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम राजा बनकर ही बतलाएंगे कि हम क्या है, और जिस दिन ये कार्य होगा उस दिन गुरु जी जहाँ भी है प्रसन्नता के साथ कहेंगे कि आप श्रेष्ठ हैं। कभी भी किसी कष्टों से आप जूझ कर भाग नहीं जाना, आपके पीछे एक योग्य गुरु खड़ा हुआ है, इस बात को आप ध्यान में रखना कि आपके पीछे खड़ा हुआ व्यक्तित्व वो है जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा और आपको लेकर अपने साथ चलेगा। केवल और केवल उसमें आपको करने का है उसकी उंगली पकड़कर चलना है, उसकी उंगली पकड़कर चलना है उतनी दूर जहां तक वो ले जा सके, और जिस दिन वो उंगली आपकी उंगली वो पकड़ेगा उस दिन वो दिन महान दिन होगा आपके जीवन का। जब तक आप उंगली पकड़ते हैं वो श्रेष्ठ है, लेकिन जिस दिन वो आप उसकी उंगली पकड़ेंगे वो दिन तुम्हारा समर्पण का दिन है, और वह दिन जिस दिन आएगा आप सिद्धाश्रम के क्या सारे देवताओं के गली में आपको घूमने को मिलेगा, देवताएं आपकी तरफ देखेंगे जो एक कार्य हुआ। मैं कल भी कहा हूँ और आज भी गर्व के साथ कहता हूँ, जितने लोग मुझे आज 20 साल से 22 साल से जुड़े हुए हैं कभी मेरे से भटके नहीं और बाहर गए नहीं, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा ही बंधन बांधा है जो बांधन टूटने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की तोड़ने की, बहुत लोगों ने प्रयत्न किया कि उसे हट जाएं। माँ बाप भाई बहन ऐसे भी लोग हैं जो हमारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बंधन आपने मुझसे बंधा है मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा और छोड़कर आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने आज दिन भर जिस गोंदल भुवनेश्वरी माता के पास जो हवन संपन्न हुआ और कल 2 दिन से भी हम जो साधना के बल पर चले, मुझे ज्यादा बात करने का समय नहीं साधना करने का समय ज़्यादा मिला इस बार, और यह जीवन का बहुत बड़ा श्रेष्ठ योगदान है जो हमने दिया। वैसे प्रवचन तो मिल जाएंगे लेकिन जो साधनाएं हम आज इस भुवनेश्वर क्षेत्र में संपन्न किए हैं वो आपको इस जन्म के नहीं 7 जन्मों के लिए भी साथ देंगे। जो साधना आप गोंदल में आज आपने की आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगी जो साधना संपन्न की। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि हम ऐसे ही कार्य आगे करते रहें। गुरु जी कहा करते थे
कि अन्न दान करोगे तो अन्न खाके जीर्ण हो जाएगा, वस्त्र दान करोगे तो वस्त्र फट जाएगा, लेकिन ज्ञान दान करोगे तो तुम्हारे 7 मिलियन तक तुम्हारा बच्चा उतना ही ज्ञान के साथ रहेगा। और ज्ञान दान केवल शिविर को कहते हैं, जो शिविर बनाता है वो ज्ञान दान देने वाला होता है। और जो उसने ज्ञान दान दिया, साधनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ा, उसकी पीढ़ी में कभी बुद्धू लोग और मूर्ख लोग जन्म नहीं लेते। और जहाँ बुद्धू और मूर्ख लोग जन्म नहीं लेते वो तो अपने को सुधार कर जीवन जीते हैं और 10 लोगों को लेकर चलते हैं। आज वस्त्र है डाले बहुत अच्छा, कपड़ा पहने बोलेंगे कपड़ा फट जाएगा, अन्न खाएँ जीर्ण हो जाएगा, लेकिन ज्ञान जो है वो तुम्हें ही नहीं तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे गरीब कुचे में रहने वाले तुम्हारे दोस्तों को लेकर चलेगा। और ज्ञान दान के कार्यक्रम को ही शिविर कहते हैं। और ये शिविर जिसने किया वो एक शिविर भी उसने किया तो ये बात याद रखो कि उसके 7 जन्मों का, उसके बच्चों का, उसके स्वतः के बच्चे हो, भाई हो, अपने पैर पर खड़े रहने वाले होंगे, किसी को भीख मांगने नहीं वाले होंगे, क्योंकि जिसने शिविर होगा। शिविर का माध्यम आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने भी गुरु जी का शिविर किया है और मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ न मेरा बेटा मेरे पैरों पर खड़ा है, मेरे सारे भाई अपने अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, मेरी बेटी बहू सब लोग अपने अपने पैरों पर खड़े होकर चलते हैं, क्योंकि ये उस गुरु की कृपा थी जिन्हें सामर्थ्यवान जीवन जीने का तत्की कला सिखाई। हम कभी भी परेशान इसलिए होते हैं कि आज मेरा दिन तो गुजर गया, कल मेरे बच्चे का क्या होगा, लेकिन जिसने ज्ञान और शिविर किया उसके बच्चे ने उसके बच्चे के बच्चे भी कहते बाबा आप बैठ के रहो मैं काम करके बता देता हूँ, ऐसे बच्चे को उस पर बच्चों पर गर्व होता है। और ऐसा जिस दिन हुआ वो श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। हम जिए तो ऐसे जिए कि 4 लोग कह लें कि यह सचमुच है डॉक्टर नारायण सीमान जी का शिष्य है और इसने संसार को बदला है, ये बात कहें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आगे का कार्यक्रम अभी पावल बहन समझाएगी क्या करना है आगे।